तो आखिर मध्य प्रदेश को क्या हो गया है? क्या यहाँ कानून का राज नहीं है? क्या यहाँ पुलिस का डर नहीं है? मध्य प्रदेश के नीमच में कुछ दबंगों ने एक आदिवासी को मामूली सी बात पर पिकअप से बांध कर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। चल वहशत, दरिंदगी, क्रूरता, हैवानियत, अमानवीयता की हद पार करता हर शब्द इन तस्वीरों के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि इन तस्वीरों में वो सब कुछ है जो इंसानियत का सिर शर्म से झुका दे। इन तस्वीरों में एक मजबूर की तड़प है, एक कमजोर की बेबसी है, दर्द में डूबे इंसान की गिड़गिड़ाहट है, और वो हैवान भी हैं जिन्होंने जुल्म ढाकर इस आदिवासी शख्स कन्हैया भील की जिंदगी छीन ली। सही लगाइए, कबूल, अब कबूल कर दे, कबूल कर। इस शख्स का कसूर बस इतना था कि कुछ दबंग इसे चोर मान बैठे थे और इसी बात को कबूल कराने के लिए यातना की सारी सीमाएं लांघ गई। पहले इसको बेरहमी से पीटा, फिर इसके पैर को रस्सी के जरिए पिकअप वैन से बांध दिया और दूर तक घसीटते ले गए। चार बारे बारे, चार बारे। इस वहशत के बाद भी इन दरिंदों का दिल नहीं भरा। वो शख्स लगातार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपी उसके चेहरे पर हमला बोलते रहे। दबंगों के जाने के बाद कुछ लोगों ने घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस भी हरकत में आई और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक प्रधान का पति भी है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है। दबंगों की दरिंदगी में आदिवासी शख्स की मौत पर एमपी में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, सियासत भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सोच है जो किसी इंसान को इस कदर वहशी बना देती है और जिसका शिकार बन कन्हैया भील जैसे आदिवासी को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। नीमच से आकाश चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।